सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज लखनऊ के निराला नगर स्थित निजी गेस्ट हाउस में सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राजधानी के विभिन्न बाजारों के व्यापारी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की सदस्यता ग्रहण किए। वहीं आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा शेखर कुमार को प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया, साथ ही अन्य सैकड़ों व्यापारियों को भी सदस्यता ग्रहण कराई गई। आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन यहां पर किया गया है और हम इस समय लखनऊ के निराला नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं मौजूद और उनसे जानकारी लेंगे। सर, किस तरीके का आज ये सदस्यता ग्रहण समारोह चलाया गया है, किस तरीके की सदस्यता कराई गई? वर्तमान में व्यापारियों के सामने विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण, सरकार के अन्य कई वजहों से, GST की विसंगतियों की वजह से व्यापारियों के सामने बहुत सी समस्याएँ हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए आदर्श व्यापार मंडल संगठन को और अधिक धार देने का काम कर रहा है और अधिक मजबूत करने के लिए निकला है। पूरे प्रदेश में 50,000 व्यापारियों को जोड़ने का लक्ष्य आदर्श व्यापार मंडल रखा है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आदर्श व्यापार मंडल ने राजधानी लखनऊ से अपना सदस्यता अभियान शुरू किया है। लखनऊ के वरिष्ठ व्यापारी नेता शेखर कुमार जी के नेतृत्व में और धर्मेंद्र साहू जी के नेतृत्व में आज राजधानी की विभिन्न बाजारों के व्यापारियों ने, वो महानगर, पारा, विकास नगर, शक्ति नगर और टेढ़ी पुलिया, बादशाह नगर, सदर, तमाम जगहों के बाजारों को आज यहाँ पर हम लोगों ने, उनके अलग अलग व्यापारियों ने आज सदस्यता ग्रहण की है। लगभग 120 व्यापारियों ने आज यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की है और आदर्श व्यापार मंडल इन सभी व्यापारियों का संगठन में स्वागत करता है। और शेखर जी को आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया है और धर्मेंद्र जी को हम लोगों ने यहाँ पर लखनऊ का नगर का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही साथ संगठन मंत्री के रूप में अनेक और पदाधिकारी, वेद प्रकाश शर्मा जी सहित तमाम पदाधिकारियों को अलग अलग कमेटी में हम लोगों ने चयनित किया है, जिसके भी एक बड़े कार्यक्रम में हम लोग घोषणा करेंगे। और संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए आदर्श व्यापारियों ने संकल्प लिया कि एक एक व्यापारी की रक्षा करनी है। व्यापारियों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आदर्श व्यापार मंडल कंधे से कंधा मिलाकर इनके लिए संघर्ष करेगा। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे व्यापार के संगठन हैं, वो कई सारे इकाई बनाए हुए हैं, कई सारे संगठन बनाए, आपके संगठन में ऐसा क्या खास है कि जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़े हैं, वो क्या एजेंडे रहेंगे आपके इस व्यापार मंडल में? लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, सारे व्यापार मंडल अपने अपने तरीके से व्यापारियों की मदद करने का काम कर रहे हैं। आदर्श व्यापार मंडल अपने तरीके से काम कर रहा है। अपना संगठन सबसे पहले तो ये कि हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल संगठन है। अपने आदर्श व्यापार मंडल में किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यापारी शामिल होता है, उसको उतना ही सम्मान मिलता है। साथ ही साथ किसी भी आय वर्ग का कोई भी व्यापारी हो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का कोई भी व्यापारी हो, उसको हम लोग उसी तरीके से देखते हैं। और सरकार की नीतियों को, जो नीतियाँ सरकार की सही होती हैं, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जो गलत नीतियाँ अगर बन जाती हैं तो उसके विरोध करने लायक, उसको बदलने लायक हमारी क्षमता हो जाए, ऐसी कोशिश संगठन कर रहा है। हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे थे, अब एक नवनिर्वाचित अभी प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आपको आज एक दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व के तहत आप प्रदेश में किस तरीके के जागरूकता लाएंगे, कैसे संगठन को आगे बढ़ाएंगे? जैसा सर्वविदित है कि मैं पिछले 1999 से मैं व्यापारी हित की काम कर रहा हूँ, तीन विषय पर काम कर रहा हूँ, करीब 25 साल हो गया, सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान। जो पिछले 24 साल में मैंने देखा, मैं आज जहाँ ज्वाइन किया, घर वापसी है एक तरह से, क्योंकि मैंने पाठशाला में काका गागा अगर सीखा है तो संजय गुप्ता जी से सीखा था, आज हमारी पुनः घर वापसी है, हम उसका आभार प्रकट करते हैं संजय गुप्ता को। जहाँ तक अभी आपने पूछा कि व्यापार मंडल की खासियत, हर व्यापार मंडल की अपने सिस्टम होते हैं, अपने तरीके होते हैं, अपनी नीतियाँ होती हैं, उसके निर्धारण से वो काम करती हैं। आदर्श व्यापार मंडल जो पिछले 24 साल से मैंने देखा है, एक सिस्टम के तहत काम करता है। चाहे एक छोटा व्यापारी, हम उसका नाम नहीं लेंगे कि वो मोची है, पटरी दुकानदार है, अच्छा नहीं लगता कहने में, लेकिन एक छोटे तबके का व्यापारी से लेके और एक करोड़पति पर डे अगर कमाता है, उस व्यापारी के लिए 24/7 आदर्श व्यापार मंडल जागरूक रहता है और अवेलेबल रहता है। हमारी व्यापार मंडल एक खासियत और है कि अगर छोटा व्यापारी भी बुलाता है, मूँगफली वाला भी, तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसकी समस्या का निराकरण करते हैं। और व्यापार मंडल में जो होता है सब विदित है, कुछ छुपा नहीं है, मैनेजमेंट से हो रहा है, लेकिन हम लोग संघर्ष की रात नहीं, 25 साल से आपने देखा होगा कि शेखर जो है 24/7 व्यापारी की समस्याओं के निराकरण के लिए तन मन धन से, बिना किसी स्वार्थ भावना से, मैं उसी तरह काम करता है जब 25 साल पहले जैसे काम कर रहा था। आज जिस तरह के लोग हमारे 24 घंटे के उस पर आए, मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमारा उत्साह बढ़ा है और उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हम नए उत्साह से, नए ऊर्जा के साथ व्यापारियों के हितों की सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, ऐसा मेरा
अपना आकलन है और मैं संकल्प लेता हूं कि जिस तरह से आप लोग ने मीडिया ने भी सहयोग किया है, मैं उम्मीद करता हूं आगे भी सहयोग करेंगे और हम सम्मान सुरक्षा स्वामीनाथन काम करते रहेंगे। व्यापारियों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए मान ये है कि मैक्सिमम एक जो नीति है उसके तहत काम करें, किसी का अगर कोई समस्या आती है तो व्यक्तिगत कोई इशू ना बना के उसको संगठन के माध्यम से हम लोग अधिकारियों से प्रशासनिक रूप से बात करके उसको समस्या का सुलटाने का पिछले 25 साल में प्रयास किया है और आगे भी यही करेंगे। कभी ऐसी कोई झगड़ा, ऐसी कोई डिस्प्यूट, ऐसे कोई अपशब्द का प्रयोग हमारा संगठन नहीं करता है जिसमें कि एक गलत संदेश सरकार में जाए या प्रशासन में जाए, जिससे आगे की हमें और भी गलत निर्णय व्यापारियों के इसमें लेना पड़े। एक सहानुभूति के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करें, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह राजनीतिक संगठन नहीं है, यह केवल व्यापारियों के हित की बात करता है। यानी व्यापारी जिस भी तबके का व्यापारी हो उस इस संगठन से जुड़ सकता है। यानी अगर वो मोची हो, दर्जी हो या कोई भी छोटा व्यापारी हो वो उनसे जुड़ सकता है। हालांकि आज सदस्यता ग्रहण समारोह चला गया, लखनऊ की इकाई को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर यह अभियान चला जा रहा है और ये अभियान जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है साफ तौर पर कि अभियान अभी भी जारी रहेगा। अब यह आने वाले समय में देखा जाएगा कि आदर्श व्यापार मंडल कितना मजबूत बनकर निकलता है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता रितेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।